प्रश्नावली 7.1 हम लोग करने जा रहे हैं। निम्नलिखित फलों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको समाकलन इन फंक्शनों का निकालना है, फलनों का, लेकिन फार्मूला हम लोगों को नहीं यूज करना है, केवल आपका निरीक्षण विधि द्वारा। और निरीक्षण विधि द्वारा का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस होता है, अपोजिट। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा होता है कॉस एक्स, यानी साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा हमारा कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स। तो हम लोग निरीक्षण विधि से जो है इसी पॉइंट का यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा है साइन टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स, यानी हमको वो फलन चाहिए कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा साइन टू एक्स आए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वो फलन जिसका अवकलज, वो फलन जिसका अवकलज यानी जिसका अवकलन करने पर क्या है साइन टू एक्स होता हो, वही हमारा क्या हो जाएगा साइन टू एक्स का समाकलन हो जाएगा। यानी वो फलन चाहिए जो हमारा, जिसको अगर आप अवकलन करें तो अवकलन करने के बाद आपका जो है जो फंक्शन आए वो साइन टू एक्स हो। तो फार्मूला तो यूज करना नहीं, अगर हम लोग कॉस टू एक्स ले लें और कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करें, कॉस टू एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे टू एक्स है तो माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन जो है हमारा एक्स की जगह पे एंगल टू एक्स है तो टू एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हमारा हो गया माइनस साइन टू एक्स और टू बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, यानी ये हमारा हो गया माइनस टू साइन टू एक्स। यानी अगर कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये हमारा होगा माइनस टू साइन टू एक्स, लेकिन हमको क्या चाहिए डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ साइन टू एक्स आए, तो माइनस टू से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ये माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स इक्वल टू ये हमारा साइन टू एक्स बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स। तो इसका मतलब हम लोग लिख लेंगे कि इंटीग्रल ऑफ जो साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हमारा आ गया माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस सी। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, समाकलन हमको निकालना है और समाकलन में फार्मूला नहीं यूज करना है हमको, केवल निरीक्षण विधि द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है कॉस थ्री एक्स, इसका समाकलन निकालना है, यानी हमको वो फलन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कॉस थ्री एक्स आए, यानी फलन इसका मतलब क्या होगा फलन जिसका अवकलज, फलन जिसका अवकलज यानी जिसका डिफरेंशिएशन करने पर, जिसका अवकलन करने पर कॉस थ्री एक्स आई, ये हमको ढूंढना है। तो हम लोग सपोज साइन थ्री एक्स फंक्शन जो है लेते हैं, तो साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस एक्स, तो थ्री एक्स है और थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री इंटू थ्री बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो यानी हमारा साइन, अब तीन से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें यानी वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स दिस इक्वल टू ये इधर क्या बचेगा कॉस थ्री एक्स,
यानी 1/3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos 3x आता है, यानी cos 3x का जो इंटीग्रल हमको समझ में आ गया, cos 3x का जो इंटीग्रल ये 1/3 साइन 3x प्लस c, हम लोग कांस्टेंट भी रख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन, e^2xdx, इसका इंटीग्रल चाहिए, यानी हमको वो फलन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर e^2x आए। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं e^x का डिफरेंशिएशन e^x होता है, इसीलिए अगर e^2x का डिफरेंशिएशन हम लोग करें तो e^x हो जाएगा और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो ये हमारा हो जाएगा e^2x(2), यानी हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e^2x अगर करेंगे तो 2 × e^2x, दोनों साइड अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 e^2x इक्वल टू 2 ख़त्म हो जाएगा e^2x, यानी 1/2 e^2x का डिफरेंशिएशन करने पर e^2x होता है, यानी e^2x का इंटीग्रल हमारा हो गया 1/2 e^2x प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ हमको निकालना है ax+b² dx, यानी हमको वो फलन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा ax+b² आए। तो हम लोग अगर ax+b³ अगर कंसीडर करें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x^n का डिफरेंशिएशन nx^n-1 यानी 3 × ax+b³ - 1 और * डिफरेंशिएशन ऑफ ax+b, तो दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 × ax+b² और ax+b का डिफरेंशिएशन a बाहर हो जाएगा तो a और x का डिफरेंशिएशन 1 a × 1 और प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑफ ax+b³ ये हो गया। हमको इस साइड में ax+b² चाहिए तो 3a से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ax+b³/3a, इसका डिफरेंशियल, और 3a कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल के अंदर आ जाएगा और 3a इधर कैंसिल हो गया तो हमारा हो गया ax+b² यानी फाइनली हमको ax+b² का जो इंटीग्रल हमको मिल गया ax+b³³ a + c। ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। फिफ्थ हम लोग करते हैं, पांचवा क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रल करना है आपको निरीक्षण विधि से sin 2x - 4 × e^2x dx। तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, sin 2x dx - 4 × e^2x dx, एक पार्ट हमारा तो sin 2x dx ही रहेगा और ये 4 हमारा इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा तो e^2x dx, और sin 2x का हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखिए इधर यहाँ पे हम लोग करते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशियल ऑफ cos 2x अगर करें तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x * 2 हो जाएगा * 2। तो अगर दोनों तरफ माइनस हम लोग कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इधर ले आएँ तो ये हमारा हो जाएगा sin 2x, यानी sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा हमारा, -1/2 cos 2x। तो ये हमारा तो हो गया -1/2 cos 2x - 4, और e^2x के लिए अगर हम लोग e^2x का डिफरेंशियल करें तो ये हमारा e^2x * 2 हो जाएगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये / 2 हो जाएगा, यानी e^2x का समाकलन e^2x / 2 हो जाएगा और ये प्लस सी। तो ये हमारा निरीक्षण विधि से था, ये पांचों क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब समाकलन हमको ज्ञात करने हैं, फार्मूला वगैरह का यूज हम लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलनों ज्ञात कीजिए। सिक्स नंबर, क्योंकि फाइव तक हम लोग कर चुके हैं। सिक्स है हमारा फोर इंटू ई के पावर टू एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, इसका समाकलन हमको करना है फोर इंटू ई के पावर टू एक्स प्लस वन। तो अगर दो समाकलन आपके योग के रूप में हो, दो फलन, तो उनको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा फोर इंटू ई के पावर टू एक्स डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब ये फोर हमारा जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ई के पावर टू एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ई के पावर टू एक्स का हम लोग जानते हैं, अगर ई के पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ये हमारा हो जाएगा ई के पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर टू एक्स और टू का डिफरेंशिएशन टू, और दोनों तरफ अगर हम लोग दो से डिवाइड कर दें तो ये तो हमारा हो जाएगा वन बाई टू ई के पावर टू एक्स, और इधर बचेगा ई के पावर टू एक्स, यानी ई के पावर टू एक्स का समाकलन हमारा क्या होगा वन बाई टू ई के पावर टू एक्स। तो यहाँ से फोर इंटू इसका समाकलन हम लोग लिखेंगे वन बाई टू ई के पावर टू एक्स, और वन का समाकलन हमारा एक्स होता है और एक प्लस सी। तो दिस इक्वल टू टू इंटू ई के पावर टू एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, इंटीग्रल करना है इसको एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब एक्स के पावर एन का इंटीग्रल हमको पता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स के पावर टू का हमारा हो जाएगा एक्स के पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन, और वन का जो इंटीग्रल हमारा होता है एक्स प्लस सी। तो वन का इंटीग्रल हमारा एक्स हो गया। तो दोनों में अलग अलग कांस्टेंट अगर रखें, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं प्लस सी वन मान लेते हैं, और इसको इसका एक्स प्लस इसमें एक कांस्टेंट सी टू। अब दो कांस्टेंट सी वन और सी टू को जोड़ो या घटाओ तो आपका जो है फाइनल कांस्टेंट जो है आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपान थ्री माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। तो अगर कई फलनों का जो है अगर साथ में कर रहे हैं और कई कांस्टेंट आ रहे हैं तो उनकी जगह पे फाइनली हम लोग एक ही कांस्टेंट रखेंगे। तो ये सातवां क्वेश्चन ख़त्म हमारा। आठवां नंबर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो सिंपल सा, इसको कई फलन अगर योग या घटाना के रूप में लिखे हैं तो इनको अलग अलग ब्रेक कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ए यहाँ से हमारा बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल साइन से, बाहर चला जाता है डी एक्स, प्लस सी भी बाहर आ गया वन डी एक्स। अब x के पावर n का हमारा x के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स के पावर वन है, इसका मतलब वन प्लस वन अपान वन प्लस वन प्लस सी, और वन का इंटीग्रल हमारा x होता है। तो दिस इक्वल टू ए एक्स क्यूब
अपान थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस सी एक्स प्लस ए कांस्टेंट आएगा। हम लोग कांस्टेंट जो है के मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी जो है यूज हो रहा है, तो सी से कंफ्यूजन ना हो इसलिए ए कांस्टेंट हम लोग के मान लेंगे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। तो इसको हम लोग दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेंगे, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। अब दो तो हमारा कांस्टेंट है, दो बाहर हो जाएगा इंटीग्रल साइन से, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो गया टू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। टेन नंबर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ए की जगह पे हमारा जो है क्या है, रूट एक्स, और बी की जगह पे है हमारा वन बाई रूट एक्स। तो ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रल। ये हमारा रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स हमारा एक्स हो गया, और रूट एक्स खत्म होकर टू हो गया, और वन बाई रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई एक्स हो गया डी एक्स। अब इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। तो एक्स का हमारा हो गया एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, माइनस टू बाहर आ गया, और वन का इंटीग्रल एक्स, और वन बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स, और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपान टू, एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस टू एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। दस नंबर ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इलेवेंथ नंबर हमारा क्या कह रहा है, इलेवेंथ है हमारा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सबको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर ही हमारा एक्स बचेगा, तो एक्स डी एक्स हो गया, और ये हमारा यहाँ पे फाइव डी एक्स बचेगा, और ये माइनस फोर, फोर कामन कर लेंगे तो वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स का हमारा हो गया एक्स के पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन प्लस फाइव बाहर आ गया, और वन का इंटीग्रल एक्स माइनस फोर, और ये एक्स के पावर माइनस टू होगा तो इसका इंटीग्रल माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, और प्लस एक कांस्टेंट सी। तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स, ये नीचे माइनस वन है यहाँ माइनस वन है तो प्लस हो गया, और फोर ये एक्स के पावर माइनस वन, इसका मतलब वन अपान एक्स, तो ये हो गया फोर अपान एक्स प्लस सी। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन
रूट एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स से जो है सब में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अभी हमारा हो जाएगा एक्स के पावर थ्री और ऊपर ही हमारा रूट एक्स जाएगा, तो रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर वन बाई टू, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा इसको ऐसे लिख देंगे कि एक्स के पावर माइनस वन बाई टू प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू प्लस फोर इंटू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। क्योंकि अगर आपका जैसे लिखा है कि वन बाई रूट एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि वन बाई एक्स के पावर वन बाई टू, और ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर माइनस वन बाई टू। अब ये हमारा एक्स के पावर थ्री है इंटू एक्स के पावर वन माइनस वन बाई टू, तो एक्स के पावर थ्री माइनस वन बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर वन है और माइनस वन बाई टू गुणा में है तो घात जुड़ जाएगा, प्लस फोर इंटू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। तो एक्स के पावर ये हमारा सिक्स माइनस वन एलसीएम लेंगे तो फाइव बाई टू एक्स के पावर फाइव बाई टू डी एक्स, इसको अलग कर लिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ थ्री, वन से वन बाई टू गया तो वन बाई टू डी एक्स, इसको भी अलग कर लिए, प्लस फोर एक्स के पावर माइनस वन बाई टू, इसको भी अलग कर लिए। दिस इक्वल टू, ये हमारा हो गया एक्स के पावर एन का मतलब इंटीग्रल एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन, प्लस थ्री तो बाहर हो गया, एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, प्लस फोर बाहर हो गया, एक्स के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। दिस इक्वल टू हमारा हो गया एक्स के पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू, तो ऊपर जाके ये टू बाई सेवन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये टू बाई सेवन हो गया, प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू, और ये थ्री बाई टू ऊपर जाके टू बाई थ्री होगा तो टू बाई थ्री, तो ये थ्री थ्री ख़त्म होगा तो यहाँ केवल टू बचेगा, प्लस फोर इंटू नीचे हमारा वन बाई टू है ऊपर जाके टू हो जाएगा, और ये एक्स के पावर वन बाई टू प्लस सी, तो ये हमारा फोर इंटू टू क्या हो गया एट इंटू एक्स के पावर वन बाई टू प्लस सी। तो ये ट्वेल्व नंबर हमारा ख़त्म हो गया।